दोस्तों हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निंदन यूट्यूब चैनल को और साथ दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने फोटो से किस तरह बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल क्लियरली और बहुत क्विक और इजीली तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको मैं कम्प्लीटली समझा सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फोटोशॉप का यूज़ करने वाले हैं, तो आप फोटोशॉप का कोई भी वर्जन इस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपका जो भी फ़ोटो हो, यहाँ पर अगर आप मेरे फ़ोटो को देखें तो बहुत ही टफ बैकग्राउंड है, कहीं पर जो है वो ग्रीन है तो कहीं पर वाइट और कहीं पर जो है ब्राउन कलर है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो चलिए हम अपने जो है वो जो फ़ोटो है वो फ़ोटोशॉप में ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ड्रैग। तो अभी आप देख सकते हैं जो है मैंने वो तस्वीर जो है वह ड्रैग कर ली है। तो अभी मैं क्विक सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगर आप इस टूल को देखें तो यहाँ पर आपने सिंपल जो है वो प्लस के निशान पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको इसी तरह कर लेना है। यहाँ पर अभी आप देख सके ये खुद जो है वो ऑटोमेटिक हमें जो है वो सिलेक्शन कर लेता है कि आप किस जगह को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इस जगह को भी रिमूव। और अभी आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली वो जगह सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप दे सॉरी यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो इसने जो है वो हमारा फ़ोटो भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इस जगह को वो रिमूव करते हैं। तो चलिए हम दोबारा इस टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपने कर लेना है माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस, और अभी आपने इसको कर लेना है कुछ इस तरह, और अभी आपने दोबारा जो है प्लस ताकि ये यहाँ से आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ से फिर आपने माइनस और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो सिलेक्शन थी वो अब जो है हमारी फ़ोटो पर नहीं है। तो अब हम इसको पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप इसको करें रिमूव, यहाँ पर भी आप करें इसको रिमूव, और यहाँ से भी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा ज़ूम और दोबारा कर लेते हैं इस क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट और यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी जो है सॉरी आपने कंट्रोल जेड दबा लेना है अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाए तो। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही फिक्स आ रहा है ये। अभी दोबारा आप इस टूल को करें सेलेक्ट और यहाँ से दोबारा प्लस पे, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से इसको भी कर लेते हैं सेलेक्ट। तो दोस्तों अभी हम इसको कर लेते हैं ज़ूम। अभी ये जो एरिया इसने सेलेक्ट किया हुआ है ये रॉन्ग है, तो अब हम इसको ठीक करेंगे। दोबारा आप क्विक सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ से करें इसको माइनस, तो इसको करते हैं इस तरह और यहाँ पर अभी दोबारा इस जगह वो। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सेलेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह को भी कर लेते हैं टीक। तो दोबारा आपने क्विक सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से माइनस कंट्रोल जेड दबा लेते हैं और यहाँ से दोबारा जेड और यहाँ से कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कंप्लीट फिक्स हो गया है, जो ये सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अभी आपने सिंपल इसको अनलॉक कर लेना है और यहाँ से आपने दबा लेना, इस टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने जेड मार लेना है, कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इमेज जो है बिल्कुल क्वालिटी के साथ आ रही है। तो चलिए हम इसको किसी और जगह पर ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं वाइट और इसको कर लेते हैं इस जगह से, इस जगह को ट्रांसफ़र।
तो अभी आप देख सकते हैं, आप इससे आप इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा ज़्यादा करें ब्राइटनेस, और अब करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है बहुत ही अमेजिंग जो है वो अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोटो को बिल्कुल क्लियरली। हमने इसको जो है बहुत आसानी के साथ रिमूव किया है यहाँ पर। अगर आप मैं आपको दिखाऊं, आप ये जो जगह है ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं प्लस, यहाँ से इसको कर लेते हैं, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली हो गया है सेलेक्ट। और अभी जो है वो इसको कर लेते हैं, यहाँ से आप अभी देख सकते हैं, यहाँ से पेयर करते हैं इसको फिट ऑन स्क्रीन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियरली उससे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को कुछ सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट होने में बाकी है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, अभी तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।